हेलो दोस्तों, ये जियो 220 मॉडल, ठीक है, जियो फोन 220 मॉडल है। इसमें फुल सॉर्टिंग प्रॉब्लम है, ये डेड है, ये चालू नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपको इस वीडियो पे दिखाते चालू करके, ये चालू नहीं हो पा रहा है, ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें सॉर्टिंग सबसे पहले आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये ब्रेजर, ये बज रहा है, ठीक है, ये भी, ठीक है, ये फुल शॉट है। तो इसमें वीडियो में दिखाएंगे आपको ये शॉटिंग हटा के, क्योंकि ये चालू नहीं हो पा रहा। देख सकते हैं, ये वाटर डैमेज हमको लग रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सर्विसिंग करके देखते हैं, यानी थिनर से साफ करके कि क्या हो रहा है। चेक कर लेते हैं ये शॉटिंग हटा या नहीं हटा, ठीक है। देखिए ये शॉटिंग नहीं हट पाया, ठीक है। तो इसमें शॉटिंग हटा के हम देखते हैं कि कहाँ कौन सा डायोड यानी शॉट है, उसको चेक कर लेते हैं पहले। ज़्यादातर ये जियो फोन में ज़्यादातर यहाँ का जो डायोड है ये शॉर्ट करता है, तो इसमें चेक कर ले रहे हैं। देखिए ये शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट बता रहा है। तो सबसे पहले ये डायोड को यहाँ से रिमूव करके हम देखते हैं इस वीडियो में कि मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से शॉर्ट करता है जियो फोन में। तो यहाँ सबसे पहले उसको हटा के देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें तो सारा कुछ चेंज करके देख लिए, शॉटिंग आपका है इस जगह। देखिए हम जूम करके दिखा सकते हैं, ये जो है डायोड, ठीक है, ये डायोड जो है, ये देखिए ये कॉइल जो है, इसके आगे जो है ये आईसी है, ठीक है। आईसी के पीछे जो यहाँ देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखा, ये इस जगह, ये डायोड इसी जगह का है, ये शॉर्ट किया था, ठीक है, इस जगह का, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, ये डाउट यहाँ पर रिमूव कर देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं चालू करके अब कि ये फ़ोन चालू हो पा रहा है या नहीं।